Hello everyone, welcome to the new video. Well, in this video, I'm going to tell you the worst way to prepare for IBPS SO Prelims 2020. You guys search for videos like best way to prepare, best preparation strategies for IBPS SO. But I'm coming with exact opposite, worst way. Like, what can be done to make sure you show a disastrous performance? ऐसा क्या कर सकते हो? सी बेसिक थिंग्स, यू स्टडी द कॉन्सेप्ट्स, यू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, उसके बाद थोड़ा लेवल अप, ठीक है, उसके बाद डिफिकल्ट सम्स. प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है. सम स्टूडेंट्स रियली सॉल्व मेन डिफिकल्ट सम, पर कुछ स्टूडेंट्स थोड़े बहुत करते लाइक दैट. और ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम IBPS SO में बहुत मैटर करते हैं. वो पजल्स होते हैं, वो DI होते हैं, एंड इट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस. क्यों? क्योंकि पजल सॉल्व करने का टाइम देना पड़ता है. तो आप लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस की अहमियत कम मत करो. यू शुड सॉल्व मोर क्वेश्चंस. इजी वाले बहुत कम करो जब चैप्टर समझ में आ जाए. डिफिकल्ट पे ही गेम खेलो, इट विल हेल्प यू. एंड नाउ आई विल टेल यू फ्यू पॉइंट्स. अपने आप से पूछो और सोचो इस पे आपने क्या वॉकअपॉन किया है या कभी सोचा है कि नहीं. मेनी स्टूडेंट्स, जो पहला प्रॉब्लम है IBPS SO के बारे में, दे कंपेयर विथ IBPS PO एंड क्लर्क. मार्क्स के हिसाब से नहीं, ये क्वेश्चन तो सेम होते हैं बॉस, लेकिन लेवल स्लाइटली बदलता है. यू नो वॉट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन IBPS SO का प्रीलिम्स एंड अदर प्रीलिम्स? IBPS SO मेंस में पेपर ही पूरा चेंज होता है, बट इन अदर एग्जाम्स के मेंस में द सेम रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश इंक्लूडिंग GA प्लस कंप्यूटर एप्टी, दे कम इन बल्क, बड़ी तादाद में आते हैं. सो IBPS SO दैट एग्जाम हैज़ ओनली वन चांस टू ट्रबल यू, टू गिव यू इजी सम्स और वट एवर, दैट इज इन प्रीलिम्स. सो यू कैन नॉट टेक prelims for granted. Yes, I say it is easy to clear, but students सोचते हैं mains में देखेंगे, लेकिन बॉस mains में chance ही नहीं है. So you cannot think कि prelim में मतलब वो जो clerk का जो एकदम really हलवा level का जो exam आता है उसके हिसाब से होगा. नहीं होगा, moderate तो रहेगा ही. It will be interesting to see कि कौन सा section वो moderate to difficult करेंगे या पूरा moderate पे रोक देंगे. कहने का पॉइंट क्या है, आप लोग गेम को पहले समझो. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम, एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट यू शुड सॉल्व. सी यू शुड सॉल्व PO का लास्ट ईयर का पेपर, क्लॉक का, दैट इज नो इश्यू, बट यू शुड सी द कंटेंट विच इज देयर इन SO प्रीलिम्स. व्हाट काइंड ऑफ पजल्स वेयर आस्ट. आई नो इट इज एग्जैक्टली वन ईयर बैक, बट यू शुड सी द 50 मार्क्स का सेटअप. हाउ डिड दे डू, लाइक 22 मार्क्स फ्रॉम द पजल्स, 5-6 मार्क्स फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, अजम्पशंस, कंक्लूजन्स वगैरह वगैरह. सो यू शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फर्स्ट. इट विल इनेबल यू टू प्लान मोर. इफ यू जस्ट टेक अ बुक सॉल्व, टेक अ बुक सॉल्व, बॉस तुम बुकिश हो रहे हो. नॉलेज बढ़ेगा लेकिन अप्लाई करना आना चाहिए. अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, 50 मार्क्स का रीजनिंग है, 40 मिनट्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफेयर होगा, एक आधा पजल टेढ़ा जाएगा, 4-5 पजल आते हैं, उसके लिए आप एक कलेक्टिव टाइम देते हो. हैव यू एवर नोटिस हाउ मच टाइम यू गिव फॉर पजल्स एंड हाउ मेनी सम्स यू सॉल्व ऑन एन एवरेज? कि मान लो 5 पजल्स है, लाइक दैट फॉर 25 मार्क्स. यू शुड अंडरस्टैंड दिस गेम. सी बिकॉज टू सॉल्व 5 पजल्स, इफ यू आर यूजिंग 25 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल, ओके 25 मिनट्स यूटिलाइज किए, और पहली बात तो 5 पजल हुए भी नहीं, लेकिन टाइम उतना डिवोट किया आपने, तो मान लो 3 हो गया, समथिंग लाइक दैट. अभी आपका प्रॉब्लम हो गया, 15 मिनट बच गए और सिर्फ अटेम्प्ट 15 ही हुए. तो ये आपको समझना ज़रूरी बहुत है. कहने का पॉइंट क्या, आपको बाकी की चीज़ें जो है ना अपार्ट फ्रॉम द पजल्स बहुत जल्दी वाइंड अप करनी है, बहुत जल्दी. उसमें अगर मशीन इनपुट आउटपुट रहा तो एक चॉइस बनती है कि शाल आई गो फॉर पजल, शाल आई गो फॉर इनपुट आउटपुट, क्योंकि इनपुट आउटपुट का वो जो क्लिक होना बेहद ज़रूरी है इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस.
वरना हर बार आप हर स्टेप में ढूंढते रहोगे कौन सा मूव हो रहा है नंबर या कौन सा लेटर मूव हो रहा है। इसलिए कहता हूँ पजल्स के लिए आपको एक अलग तरीके से स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए आपको। खुदा ना खास्ता एक आधा पजल तो टेढ़ा रहेगा ही डेफिनेटली, तो उसके लिए आपको बैकअप टाइम चाहिए। सो यू शुड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। आप जब मॉक करते हो ना, तो सॉल्व करते हो, उसमें भी देखो आपने कितने आप ऑन एन एवरेज करते हो। यू शुड नो इट। उसमें भी पता होना चाहिए कौन से पजल आप हमेशा राइट करते हो, कौन से पजल हमेशा स्किप करते हो। ये आपका स्टैटिस्टिक्स ऐसे होना चाहिए। दिखाना किसको है? खुद को। एज सिंपल एज दैट। अनदर थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग विच डी आई इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, इन अनदर वे विच डी आई टू स्किप। एक पॉइंट आता है कि अभी सब हो गया, अभी मेरे को डी आई करना है, 4 DI 20 marks के है। एंड समटाइम्स कुछ कुछ डी आई ऐसे होते हैं ना कि पूरे लेंदी होने की वजह से आप एक दो कर पाते हो, लेकिन वो एक दो चूज करना आना चाहिए। अगर आप बोलोगे चलो हाँ ठीक है यही करता हूँ नहीं, और फिर वो 2 mark अगर कट ऑफ में अफरा तफरी हो गई तो मैटर करते हैं। देखो चीज़ों को ना आप ऐसे एनालाइज करो, ओके, व्हेन यू आर सॉल्विंग मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग दैट इज़ रियली ओके गुड, बट ये चीज़ें भी नोटिस करो। जैसे कि मैं मान लो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हर समय नहीं करता हूँ, तो मुझे समझना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे नहीं आता, लेकिन अगर मैं देखता हूँ मेरे बाकी की चीज़ें भी नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे गेम को थोड़ा इम्प्रूव करना है। सो लाइक दैट आई विल कम टू नो अबाउट माई ईच पर्टिकुलर चैप्टर। अनदर थिंग, इंग्लिश, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट ऐसा हो जाता है जिसमें बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं होता, तो हम बौखला जाते हैं और हमें सिर्फ पेपर पे कम अटेम्प्ट है, तो इसलिए सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी वी अटेम्प्ट मोर विच एक्चुअली कॉस्ट मोर, क्योंकि रॉन्ग बहुत जाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ डिफेंस इन इंग्लिश। अगर आपको लगता है रीजनिंग या मैथ्स में आपने अच्छे संभाल लिए या संभाल सकते हो, तो मेक श्योर इंग्लिश को सेफ खेलो। जस्ट फॉर एवरी टाइम हाँ ये अच्छा लग रहा है, बी सी अच्छा लग रहा है, नहीं, एक आध बार ठीक है, पर एवरी टाइम आपको 2 ऑप्शन में से ऐसे डाउटफुल आप क्लिक कर रहे हो, तो ये पेनल्टी उल्टा पड़ सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। सी इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू कम अप विथ ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं, ये तो आप ऑलरेडी चालू है। सो आई एम ट्राइंग टू कम अप विथ समथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स का ना माइंड सेट बहुत ज़रूरी है। टीचिंग इज़ वेरी इजी, आई वुड से टीचिंग इज़ रियली वेरी इजी, बट अगर आपको टीचिंग करने के होने के बाद, सब्जेक्ट पता होने के बाद पता ही नहीं आगे बढ़ना कैसे, देन आई गेट सरप्राइज कि तू कोडिंग डिकोडिंग सिलोगिज्म मुझे मत बता, ये क्यों नहीं हुआ 2 मिनट में 3 मिनट में, तूने ये चूज़ क्यों किया। इसके लिए कहता हूँ दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट राइट नाउ, काम करो अच्छे से होगा, और जो आगे बढ़ते हैं ना वो बारीकी से स्टडीज़ करते हैं, कंसेप्ट पे मास्टरी करते हैं, ओके, एंड दिस इज़ हाउ दे प्रिपेयर। तो मेक श्योर आप जब पढ़ो तो सिर्फ ये मत बोलो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, नहीं, किस तरीके से मैनेज करना है, यू शुड नो विच क्वेश्चन टू स्किप विच वन टू अटेम्प्ट, ये आपका एनालिसिस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है कोडिंग डिकोडिंग में एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप उसको स्किप करो, बट जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं डी आई पजल्स या इंग्लिश के मान लो सेंटेंस कनेक्टर या एनी अदर रैंडम सब्जेक्ट, तो उसमें से आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स समटाइम्स गिव यू आइडिया। आप मॉक टेस्ट करके आपका मेन टारगेट क्या होता है, लास्ट टाइम मुझे 100 में से 65 मिले, अब 62 मिले, अब 72 मिले, अब 80 मिले, सो यू कंक्लूड मेरा इंप्रूव हो रहा है। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्या हो रही है, चैप्टर वाइज क्या हो रहा है, उसको भी एनालिसिस करो। एंड इफ यू डू इट आई कैन गारंटी यू यू विल बी ऑन ट्रैक। और मेन चीज़ जो होता है ना, माइंड सेट क्लियर है ना यार, तो बंदा कर लेगा। सो मेक श्योर यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, वर्क ऑन दिस, एंड जब जंग में उतरो ना पूरी तैयारी के साथ उतरना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।